एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार शुरू, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। आजादी की लड़ाई में ईसाई समुदाय का अहम योगदान, बोले पीएम मोदी। दिल्ली में क्रिसमस के अवसर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, में बोले डीके शिवकुमार। राजनाथ सिंह और ओम बिरला हरिद्वार पहुंचे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे राजौरी पुंछ सेक्टर पहुंचे, आतंकवाद विरोधी अभियान का लेंगे जायजा। मेरठ में पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव, पुलिस जुटी जांच में। दिल्ली के सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे जेपी नड्डा, क्रिसमस प्रेयर में हुए शामिल। राजौरी आतंकी हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पहुंचे देहरादून, सीएम धावी ने दी श्रद्धांजलि। बहराइच श्रीवस्ती रोड पर भीषण हादसा, ट्रक और बस के बीच टक्कर, टक्कर में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत। मैं जब भी अमित शाह से मिलूंगा तो कुश्ती मासम के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बोले ब्रजभूषण सिंह। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेता सदैव अटल पहुंचे, पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। एमपी में आज कैबिनेट विस्तार, राज्यपाल से मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव। जम्मू कश्मीर राजौरी में आतंकियों को पकड़ने के लिए पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में सुरक्षाकर्मी तैनात। जम्मू कश्मीर राजौरी पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड। दिल्ली के तापमान में गिरावट, राष्ट्रीय राजधानी में छाया घना कोहरा। पंजाब पुलिस ने यूपी और गुजरात से चल रहे इंटर स्टेट फार्मा ड्रग कार्टेल का किया फंडाफोड़। नाइजीरिया में हमलावरों ने 16 लोगों की मौत को उतारा घाट। इजरायली सेना ने नया वीडियो जारी कर गाजा में दिखाया हमास की सुरंगों का नेटवर्क। बीएसपी को आईएनडीए ब्लॉक में शामिल करने के लिए कोई बातचीत नहीं चल रही है, बोले जयंत चौधरी। अमेरिका ने ईरान पर फिर लगाया जहाज पर हमले का आरोप। राजस्थान में पटरी से उतरी यात्रियों से भरी ट्रेन, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। इजरायली सेना गाजा में काफी अंदर घुसने जा रही है, बोले नेतन्याहू। 303 यात्रियों को ले जा रहे विमान को फ्रांस ने 3 दिनों तक रोकने के बाद जाने की दी इजाजत। एमपी में मंत्रिपरिषद का हुआ विस्तार, कुल 28 विधायक बने मंत्री।